इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से बहुत ही बढ़िया न्यूमेरिकल अभी देखो क्या द स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ 1/10 नॉर्मल केसीएल सॉल्यूशन आपको दे रखी है ये, ठीक है। आपको क्या बताना है इस क्वेश्चन में, व्हाट विल बी सेल कांस्टेंट ऑफ दिस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, या आप कह सकते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जिसमें यह सोल्यूशन है, और यह आप लोगों के लिए ऑप्शन। अब आप बताइए क्या होगा आंसर, एंड द आंसर इज, आइए पहले कैलकुलेट कर लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। गाइस स्पेसिफिक कंडक्टिविटी और सेल कांस्टेंट का मुझे तो एक ही रिलेशन याद है, क्या, जिसको मैं याद रखता हूं ऐसे, के जी जी, हाय जी जी, के कवर थी, समझ रहे हो, के जी जी। अब ये के क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या दे रखी है इस सॉल्यूशन की, हाँ ठीक है, इक्वल टू व्हाट इज जी, जी इज कंडक्टेंस ऑफ दिस सॉल्यूशन, क्या दे रखा है, कंडक्टेंस तो नहीं दे रखा, पर क्या रेजिस्टेंस ऑफ द सेल दे रखा है आपको, यस, कितना 56 ओम। अब मुझे याद आया कि जी कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1/ रेजिस्टेंस, मैंने रखा 1/R, क्या R दे रखा है, हाँ कितना 56 ओम। अब भी वीडियो पॉज करके आप आंसर कर सकते हैं, हाँ करो भाई, क्या रह गया, G स्टार क्या है, ये G स्टार ही तो है सेल कांस्टेंट, क्या आपको R रेजिस्टेंस दे रखा है, हाँ, क्या स्पेसिफिक कंडक्टिविटी दे रखी है, हाँ, क्या निकालना है, सेल कांस्टेंट निकाल दो, इतना सा था क्वेश्चन। अच्छा तो सर ये 1/10 नॉर्मल केसीएल सॉल्यूशन नॉर्मेलिटी क्यों दी हमें, अच्छा 20 डिग्री सेल्सियस पे ही क्यों दिया, तापमान का जिक्र क्यों किया इन्होंने, क्यों किया, आपको कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है, कितना आसान था, क्या करना है, जी स्टार के लिए आर से मल्टीप्लाई करो, तो कापा इंटू में आर दैट इज इक्वल टू जी स्टार, कापा इंटू आर दैट इज इक्वल टू जी स्टार, ऐसे भी याद रख सकते हो, कापा इंटू में आर दैट इज इक्वल टू जी स्टार, भाई साहब दिल भी बन गया, क्या करना है, कापा कितनी दे रखी है 0.012, ओके ये कितना रखा है 56, आर मल्टीप्लाई कर दो, यानी 56 की मल्टीप्लाई कर दूं मैं 12 से, दो छिक्के 12 पांच दूनी 10 11, दो छिक्के 12 पांच दूनी 10 11, क्या बात है यार, राइमिंग अच्छी हो रही है, 2 6 1 7 5 6 6 72। अब देखो दशमलव यहां कितने अंकों के बाद है, 1 2 3 लगा दो, 1 2 3 ये लगाई दशमलव 0। अब जी स्टार यूनिट क्या होती है मैं बता दूं, सेल कांस्टेंट बच्चे बराबर होता है लेंथ बाई में एरिया के एक सेल के, और एक पार्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए कांस्टेंट भी होता है, ठीक है, और इसके बारे में आप कंप्लीटली जानना चाहते हो ना तो एक वीडियो है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं आप, ओके। तो क्या होगा यूनिट बताओ, लेंथ यूनिट अगर सीजीएस सिस्टम में दे रखा है सेंटीमीटर, एरिया के सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर 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 कैंसिल, क्या हुआ आया सेंटीमीटर ऊपर चला गया, तो सेंटीमीटर इनवर्स, सब में ही सेंटीमीटर इनवर्स दे रखा है, ये भी आपको कोई चक्कर नहीं है, अब तो आंसर ही निकालना था, क्या मल्टीप्लाई करनी थी आपको इन दोनों की, ये क्वेश्चन था भाई, इसके मल्टीप्लीकेशन इससे कर दो 0.672 सेंटीमीटर इनवर्स आंसर आ गया। अब इसी क्वेश्चन को घुमा घुमा के दे देंगे, कैसे, आपको सेल कांस्टेंट दिया हुआ मिलेगा, आपको रेजिस्टेंस दिया हुआ मिलेगा, आपसे ये पूछ लेंगे, एक न्यूमेरिकल बन गया, एक ये है ही आपके सामने, दो अब की बात ये और सेल कांस्टेंट दे देंगे तो आपसे ये पूछ लेंगे, और कैसे बन सकता है गाइस, इस सेल कांस्टेंट को देखे, देखो ये वाली सेल एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ये सॉल्यूशन दे रखा है तो एक सेल बन गई, ठीक है, अब क्या करेंगे, आपसे ये वाला सेल कांस्टेंट यहां से निकलवा के इस सेल कांस्टेंट को किसी दूसरी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए अप्लाई करवा लेंगे आपसे, समझ पा रहे हो, अब मान लो ऐसे बोल देंगे, अब मैंने क्या किया इस सेल के अंदर, आगे स्टेटमेंट क्या देंगे, इस सेल के अंदर है ना एक KCl की बजाय KNO3 का सॉल्यूशन डाल दिया जिसका रेजिस्टेंस ये है, बताओ उसकी कंडक्टिविटी क्या होगी, तो यही सेल कांस्टेंट आपका इस्तेमाल हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में, सिंपल फॉर्मूला ये याद रखो, KGG और कापा इंटू आर दैट इज इक्वल टू जी स्टार, ऐसे याद कर लो, ठीक है, डन, ऐसे कंसेप्ट आते हैं, अच्छे से पढ़िए।
ऑल द बेस्ट।